नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे बाहर खुले में वीडियो शूट करना पड़ रहा है, तो बाहर की कुछ आवाज़ें ज़रूर आएंगी, सो इसके लिए सॉरी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्लास्टर करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे प्लास्टर में क्रैकिंग ना आए। हालांकि प्लास्टर में क्रैकिंग आने के बहुत सारे कारण हैं, बट प्लास्टर करने से पहले हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण प्लास्टर होने के कुछ दिन बाद प्लास्टर में क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। प्लास्टर करने का स्टेप टू स्टेप तरीका हम बताते हैं, आप इसी स्टेप को फॉलो करिएगा जिससे आपका प्लास्टर पूरी तरह से मजबूत हो, ठीक है। प्लास्टर वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं, पूरी दीवार को भिगो लेना है, या फिर यह कह सकते हैं कि पूरी दीवार की क्यूरिंग कर लेनी है, ठीक है। पूरी दीवार को आप इस तरह से भिगो लेंगे तो दीवार पे जो गंदगी रहेगी, जो धूल के कण रहेंगे, वो पूरी तरह से दीवार से हट जाएंगे, ठीक है। और प्लास्टर करने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि जिस दीवार का आपको प्लास्टर आज करना है उस दीवार को आप एक दिन पहले ही पूरी तरह से भिगो दो, जिससे दीवार में पर्याप्त नमी बनी रहे। सो प्लास्टर करने से पहले आप पूरी दीवार को अच्छे से भिगो लो, ये प्लास्टर करने का पहला स्टेप है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो प्लास्टर करने से पूर्व आप प्लास्टर वाली दीवार को कुछ इस तरीके से सीमेंट के पेस्ट से, सीमेंट के घोल से पूरी तरह भिगो देंगे, ठीक है। और सीमेंट का घोल आपका ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए, यानी कि आपका प्लास्टर का घोल मीडियम में होना चाहिए। दीवार से प्लास्टर का घोल पूरी तरह से चिपकना चाहिए, ठीक है। यानी कि सीमेंट का घोल ऐसा होना चाहिए कि यदि आप सीमेंट के घोल को दीवार पे डालो तो दीवार का जो कलर है वो सीमेंट की तरह हो जाए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्लास्टर करने से पूर्व सीमेंट के इस घोल को लगाने का यही मतलब होता है कि प्लास्टर और दीवार के बीच की जो पकड़ हो वो मजबूत हो, ठीक है। सो इस घोल को लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो सीमेंट का घोल हो वो ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि सीमेंट का यह घोल प्लास्टर और दीवार के बीच एक मजबूत पकड़ बनाने का कारक होता है, ठीक है। इसलिए यह मजबूत होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्लास्टर का मसाला यानी कि मोर्टार बनाते समय उसमें जो आप सैंड यानी कि बालू यूज करेंगे उसको कुछ इस तरीके से आप छन्ने से छान लें, जिससे बालू के अंदर की जो गंदगी हो वो पूरी तरह से निकल जाए, ठीक है। प्लास्टर करते समय बहुतायत लोगों को हमने देखा है कि थोड़ी अच्छी बालू दिखी तो बस उसको सीमेंट के साथ मिक्स करके आप बस सीधा प्लास्टर करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये गलत है। सैंड यानी कि बालू में थोड़ी बहुत गंदगी होती है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका प्लास्टर की जो फिनिशिंग हो वो बहुत ही स्मूथ आए, प्लेन में आए, और आपका जो प्लास्टर है वो लंबे समय तक चले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लास्टर करते समय हमें किस रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला यूज करना चाहिए, यानी कि प्लास्टर करते समय सीमेंट बालू का अनुपात हमें क्या रखना चाहिए जिससे हमारा प्लास्टर पूरी तरह से मजबूत हो। सो प्लास्टर करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा 1:4 या फिर 1:5 रेशियो का आप मोर्टार यानी कि मसाला बनाएंगे, ठीक है। आप 5 से ज़्यादा रेशियो का मसाला नहीं बनाएंगे, आप कम बना सकते हैं, 1:3 का बना सकते हैं, 1:4 का, 1:5 का, 1:6 का आप नहीं यूज करेंगे। 1:6 का बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है, जिससे आपके प्लास्टर की जो स्ट्रांगनेस होती है, जो मजबूती होती है, जो मजबूती प्लास्टर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। सो प्लास्टर का मोर्टार यानी कि मसाला बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए 1:5 से ज़्यादा आपको किसी भी कीमत पर नहीं बनाना है, ठीक है। इस वीडियो में आपको बाहर की आवाज़ें काफ़ी सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें घर के बाहर वीडियो की शूटिंग करनी पड़ रही है, सो इसके लिए सॉरी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।